दोस्तों, क्या आपको ऊंचाई से डर लगता है? अगर है तो आप इसे जरूर देखना चाहेंगे। सैन फ्रांसिस्को बे एरिया का सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र है यह प्राचीन गोल्डन गेट ब्रिज। जबकि संसार का विख्यात ये ब्रिज संसार के सात अजूबों में से एक माना गया है, तो भी केवल कुछ ही लोग जानते हैं उस मनुष्य के बारे में जो उसके निर्माण में जुड़े थे, और इन्हें हाफ वे टू हेल का विस्तार से जाना जाता है। दर्शन रखने वाले इंजीनियर के समूह ने इसे डिजाइन किया। ये 4200 फीट की लंबाई का है। एक समय गोल्डन गेट ब्रिज तो पूरे संसार का सबसे बड़ा ब्रिज होता था। इसके निर्माण के समय यानी 1933 से 1937 तक गोल्डन गेट ब्रिज उस समय के कंस्ट्रक्शन में सबसे ज्यादा सुरक्षा का उपयोग किया गया ब्रिज है। इसे ध्यान में रखिए, मूल्यांकन किया जाता है कि अगर वहां पर एक मनुष्य मरता है, हर लाखों डॉलर के लिए जो खर्च किए गए यानी $35 मिलियन का ये बजट, उन्होंने जाना इस तरह से जान गंवाना स्वीकार नहीं होगा। और इसलिए चीफ इंजीनियर जोसेफ बी स्ट्राउट वो इस बात पर जोर दे रहे थे कि सबसे ज्यादा सुरक्षा की व्यवस्था का उपयोग किया जाए, अब तक जिसका उपयोग नहीं किया गया था। उनके पास स्थानिक रूप में बने सुरक्षा के औजार थे। उन्होंने जोर दिया कि काम करते समय सिर की सुरक्षा बहुत जरूरी है, और आगे जाकर यही तो सुरक्षा के लिए मुख्य बात बन गई। इसका पहली बार उपयोग हुआ, लेकिन सुरक्षा की बातें और भी आगे बढ़ती गईं। स्टाउट ने यहाँ पर खास करके हाथ और फेस क्रीम का प्रबंध किया कि उनकी चमड़ी को ठंड से बचा कर रखें, और गेयर फ्री गॉगल्स दिए कि आँखों की रक्षा हो सके, और साथ साथ में वो खास भोजन करते थे कि किसी तरह की नींद को दूर करें, जबकि वो ऊंचाई पर काम कर रहे थे। लेकिन सबसे अद्भुत सुरक्षा की जो व्यवस्था है वो थी ये बहुत ही बड़ी दानों का मैट जो एक कोने से दूसरे कोने तक लगी हुई है इस गोल्डन गेट ब्रिज के निर्माण के समय। और सच में निर्माण के समय इस जाल ने 19 मनुष्यों की जान को बचाया, जिन्हें बाद में जाना गया द हाफ वे टू हेल क्लब। और आपको ये बात याद रखना होगा, ये तो सबसे खतरनाक ऐसे कंस्ट्रक्शन की बातें हैं। तेज हवा तो हमेशा बहती जा रही थी, और वैसे लोहे पर चल रहे थे जो कि सर्दी के कारण कई बार उस पर बर्फ जम जाती थी, ऐसी जगह पर जो कि बर्फ के पानी के लगभग 700 फीट ऊंचाई पर थे। फिर भी मनुष्य जो हर तरह के जीवन से आए थे वो इस जोखिम को उठाने के लिए तैयार थे, क्योंकि उस समय बड़ी निराशा चल रही थी और प्रतिदिन उन्हें $11 मिलते थे, जो उन दिनों में बड़ी बात होती थी। और इस जाल का एक और बड़ा लाभ था, उन्होंने जाना कि मनुष्य और ज्यादा साहसी हो गए। हालांकि वो फिसलन भरे उस सतह के ऊपर बहुत ऊंचाई पर चढ़ रहे थे, क्योंकि वो जानते थे अगर वो गिर जाए तो भी उनकी सुरक्षा के लिए कुछ बनाया गया है, और इसके कारण उनमें हिम्मत बढ़ी कि वो आगे बढ़ते जाएं और निश्चित समय में इस ब्रिज को पूरा कर दें। जानते, विश्वासी होने के नाते हमारे पास महान काम है। बाइबल कहती है कि हमें यीशु के साथ में सहयोग देना है कि उस पुल को बनाए जो स्वर्ग और पृथ्वी को जोड़ता है। और इस मार्ग में खतरा तो है, शैतान हमें डर के कारण अपाहिज करना चाहता है कि हम गिर जाए या फिर गलती करें, लेकिन हम जानते हैं यीशु ने हमारे लिए सुरक्षा का जाल बनाया है, तो हमें डरने की जरूरत नहीं। हम भरोसे से आगे बढ़ते जाएं, क्योंकि यहूदा के वचन 24 में ये प्रतिज्ञा है कि वो हमें गिरने से बचाने के योग्य है। लेकिन कई बार हम गलतियां तो करते हैं, लेकिन फिर भी आप निराश न हो। अगर आप पहला यूहन्ना अध्याय 2:1 पढ़ते हैं, बाइबल कहती है अगर हम गिर जाएं या पाप करें तो पिता के पास हमारा वकील है यीशु मसीह। तो आइए आगे बढ़े और मसीह के साथ में इस पुल को बनाते जाएं।